हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये RSPRI 2018 के लिए मॉडल पेपर सेकंड है। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अगर डिसलाइक करें तो कारण बताएं कि डिसलाइक क्यों किया है, ताकि अगले पेपर में उस गलती को सुधारा जा सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में एक असत्य कथन बताइए। आंसर है, इससे राज्यपाल शासित प्रांतों में द्वैत शासन कायम रखा गया है। भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहा जाने लगा 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत की संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या निश्चित हुई है 389। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों की उद्घोषणा नहीं करता? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। सुमिलित करें सूची फर्स्ट को सेकंड से। आंसर है इसका सेकंड। तो देखें, संसदीय शासन प्रणाली इसका है फोर्थ ब्रिटेन। मौलिक अधिकार इसका है फाइव संयुक्त राज्य अमेरिका। नीति निर्देशक तत्व इसका है सेकंड आयरलैंड। समवर्ती सूची इसका है सिक्स ऑस्ट्रेलिया। संघात्मक शासन है इसका है फर्स्ट, ई का है इसमें फर्स्ट, कनाडा। संघात्मक शासन कनाडा। मूल कर्तव्य रूस। केवल भारतीय नागरिकों को प्रदत्त मूलाधिकार किस अनुच्छेद से संबंध है? आंसर है 19.30। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? 36 से 51। संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने के पीछे क्या उद्देश्य निहित था? आंसर फर्स्ट है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। निम्नलिखित में से कौन से कार्य राष्ट्रपति से संबंधित हैं? उपर्युक्त सभी। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 12 माह। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास हैं? सेकंड और फोर्थ, औपचारिक और कानूनी, संवैधानिक और नाममात्र। संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति यथार्थ किसमें निहित है? आंसर थर्ड है, मंत्रिपरिषद। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना। भारत के उच्चतम न्यायालय के विषय में कथन सही नहीं है। फोर्थ है इसका, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रक्षक का कार्य करता है। निम्नांकित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं होती? आंसर है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। सुमिलित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करो। आंसर है इसका फर्स्ट, ए का फोर। कृषि नीति का है अर्थशास्त्रीय। कृषि नीति का अर्थशास्त्रीय। जनसंख्या का है समाजशास्त्रीय। वायुमंडल का है विज्ञानोन्मुखी। विदेश नीति का है प्रशासकीय। राजस्थान में स्वायत्त शासन संस्था कब स्थापित की गई? 1955 में। प्राचीन पुरा वैभव एवं मूर्ति शिल्प का खजाना चंद्रावती में मिला, यह स्थान किस जिले में स्थित है? सिरोही में। राजस्थान का वह ताम्रयुगीन सभ्यता जिसके उत्खनन में एक दुर्ग, सांड व कुत्ते की मूर्तियों के अवशेष एवं तांबे के आभूषण मिले हैं? आंसर है बालाथल। राजस्थान के विभिन्न नगरों के प्राचीन नामकरण के बारे में जानकारी मिलती है बिजोलिया अभिलेख से। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के आदिपुर सिहा की प्रारंभिक राजधानी थी पाली। मुंशी देवी प्रसाद ने बीकानेर के किस शासक को राजपूताने का कर्ण कहा है? राय सिंह को। वह कछवा सरदार जिसने ढूंढाड़ के मीणों को पराजित करके आमेर को अपनी राजधानी बनाया? कोकिल देव। वह दुर्ग जिसमें चामुंडा माता मंदिर, श्रृंगार चौकी, चोखेलाव महल, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय, तख्त विलास महल एवं दौलत खाना दर्शनीय है? जोधपुर और मेहरानगढ़ में। सातलदेव, शीतलदेव चौहान एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 1308 में सिवाना का युद्ध हुआ, यह युद्ध स्थल किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में। बूंदी रियासत के एक जागीरदार संग्राम सिंह हाडा की पुत्री एवं मेवाड़ के सलंबूर ठिकाने के सामंत राव रतन सिंह चुंडावत की पत्नी सहल कंवर, जिसने युद्ध में जाने से हिचकिचा रहे अपने पति को निशाने के रूप में अपना सिर काट कर दे दिया। राजस्थान के इतिहास में यह वीरांगना किस नाम से प्रसिद्ध है? हाडी रानी। चेत मानखा, बरखा बीनणी और नेहरू ने ओल्मो जैसी राजस्थानी कविताओं के रचयिता रेवत दान चारण कहाँ के निवासी थे? मथाणिया, जोधपुर के। जादूदान, वणसूर, बांकीदास आशिया, विजयदान देता एवं डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित का संबंध है?
राजस्थानी वात कहानी साहित्य से। दीपावली के एक दिन पहले मनाया जाने वाला त्यौहार जो स्वच्छता एवं सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। आंसर है रूप चौदस। राजस्थान में पेपर मेसी से संबंधित हस्तशिल्प का कार्य किन स्थानों पर किया जाता है? जयपुर, उदयपुर में, पश्चिमी राजस्थान के सिरोही, पाली एवं जालौर, बाड़मेर, पाली जालौर एवं बाड़मेर जिलों में प्रचलित वह लोकगीत जिसने आबू के पहाड़ों में मोर बोलने का सुंदर वर्णन किया है, मोरिया। राजस्थान के प्रसिद्ध मेलों में से एक रामदेवरा मेला रामदेवरा जैसलमेर प्रारंभ होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र का त्रैमासिक पत्रिका का नाम है चतुर्दिक। आमरी संस्कृति के मृदभांड मिले हैं हड़प्पा से। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का मूल स्थान है सप्त सिंधु प्रदेश। सल्तनत कालीन वह महिला सुल्तान जो पुरुषों के वेश में रहकर शासन चलाती थी, रजिया सुल्तान। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर प्रारंभ में पश्चिम एशिया में किस रियासत का शासक था? फरगना का। अकबर द्वारा प्रदत्त एक नवीन धार्मिक विचारधारा दीन ए इलाही का दूसरा नाम था तौहीद ए इलाही। भारत में मराठा शक्ति के उदय का श्रेय जाता है छत्रपति शिवाजी को। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदर का पहुंचा, जहां पर उसका स्वागत किया गया। कालीकट के राजा थे जम्मोरिन। भारत में अंग्रेजों का प्रथम आगमन 1599 ईस्वी में टॉमस स्टीफंस के आगमन से माना जाता है, जो धर्म ईसाई प्रचार के उद्देश्य से यहाँ पर पहुँचा गोवा में। संपूर्ण पंजाब को एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से संपूर्ण पंजाब को एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से 1799 ईस्वी में कौन लाहौर का शासक बना? रणजीत सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान झांसी के पतन के पश्चात मराठा एवं अन्य क्रांतिकारियों ने अपनी सशस्त्र क्रांति का मुख्यालय बनाया कालपी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब तक भारत में स्वाधीनता संबंधी विचार अपने अधिवेशनों में नहीं रखा था? 1905 में। 20वीं सदी के प्रारंभ में बिहार के दुमका एवं निकटवर्ती क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियां चलाने का श्रेय जाता है प्रभुदयाल मारवाड़ी को। अप्रैल 1919 में रॉलेट बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नेते हजारों लोगों पर अमृतसर में जनरल डॉयर ने गोलियां चलवा दी। इस जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। यह दिन था बैसाखी का। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया? 1934 पटना में। भारत में मार्क्सवादी आंदोलन विचारधारा के प्रारंभिक समर्थक प्रतिपादक थे मुजफ्फर अहमद काजी नजरुल इस्लाम, एम एन राय। उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है पनामा नहर। अंग्रेजी वर्णमाला एस के आकार वाला महाद्वीप है अंटार्कटिका। तुर्की का वह शहर एवं प्रमुख एयरपोर्ट जो यूरोप में स्थित है, इस्तांबुल। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह किस देश के अंतर्गत आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। माओरी जनजाति का निवास स्थान है न्यूजीलैंड। आराकान योमा पर्वतमाला इरावदी तथा चिंदविन नदी की घाटियां म्यांमार की प्रमुख भौतिक विशेषताएं हैं। इस देश की वर्तमान राजधानी है नाइपितो। भारत की वह नदी जो पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है, तारामती। भारत के दो जैवमंडलीय निक्षेप बायोस्फेयर रिजर्व हैं पश्चिमी घाटों में पूर्वी हिमालय। भारत का वह राज्य जो जूट एवं मेस्ता के उत्पादन में लगभग एकाधिकार रखता है, पश्चिमी बंग। भारत में भील जनजाति के निवास वाले चार प्रमुख राज्य हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा नगर भारत के 10 सबसे बड़े नगरों में सम्मिलित नहीं है? आंसर है कानपुर। केरल में समुद्री पश्च जल बैकवाटर वाली झीलों को कहा जाता है कयाल। जम्मू कश्मीर में केसर एवं अखरोट की खेती जिस क्षेत्र में की जाती है, वहां पर कौन सा निक्षेप पाया जाता है? करेवा। राजस्थान में लावा निर्मित मध्यम काली मिट्टी का क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी पठार। रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से वर्तमान में राजस्थान का देश में स्थान है दूसरा। नवीनतम पशु जनगणना 2012 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है? बाड़मेर में। सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में बनाई गई है? उदयपुर में। राजस्थान में गरसिया जनजाति की सर्वाधिक संख्या वाले दो जिले हैं उदयपुर सिरोही। राजस्थान में ग्रेनाइट उद्योग का विकास एक पट्टी के रूप में कहां पर देखने को मिलता है? जालौर जिले के बिशनगढ़ से बागर तक। बाड़मेर एवं जालौर जिले में कच्छ कच्छ के रण का आंशिक विस्तार स्थानीय भाषा में क्या कहलाता है? नेहेड़। अजमेर एवं भीलवाड़ा जिले की सीमा किस नदी द्वारा बनाई गई है? खारी।
राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे महाराव संग्राम सिंह। मेरवाड़ा की पहाड़ियां एवं मेवाड़ की पहाड़ियों के मध्य एक सेतु का काम करती है कुकरा, कुकड़ा की पहाड़ियां। राजस्थान का वह जिला जो अब खनिज तेल, लिग्नाइट, बेंटोनाइट एवं मुल्तानी मिट्टी के खनन के लिए जाना जाता है, बाड़मेर। राजस्थान में सहकारिता के क्षेत्र में शीर्ष बैंक जयपुर में स्थित को कहा जाता है अपेक्स बैंक। राजस्थान में विद्युत आपूर्ति हेतु कितने निगमों की स्थापना की गई है? तीन निगमों की। राजस्थान में सिर्ड स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट के रूप में कार्यरत है इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर। राजस्थान में सर्वप्रथम स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। भारत द्वारा अन्य देशों को भेजे जाने वाले उच्चायुक्त एवं राजदूतों, राजनयिकों की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा में गणपूर्ति कोरम कितने सदस्य उपस्थित होने पर मानी जाती है? 55। संसद की लोकलेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होती है 15 एवं 7। भारत के राज्यों का वह समूह जहाँ पर पंचायती राज का त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। अनुसूचित क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के संबंध में ग्राम पंचायतों को विशेष अधिकार प्रदान करने वाला कानून है पैसा 1992। वर्तमान में भारत के जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल, विधानसभा एवं विधान परिषद है वह है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई 1949 में। राजस्थान का वह संभाग जिसकी सीमा अन्य सभी संभागों से स्पर्श करती है अजमेर। राजस्थान से राज्यसभा के वे नवनिर्वाचित सदस्य जिनका कार्यकाल वर्ष 2022 में पूर्ण होगा, ओम माथुर, वेंकैया नायडू, राम कुमार वर्मा, हर्षवर्धन सिंह। राजस्थान में सूचना का अधिकार आंदोलन की प्रमुख कार्यकर्ता है अरुणा राय। सरपंच, वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करते हैं? विकास अधिकारी को। जिला परिषद की बैठक में भाग लेते हैं उपर्युक्त सभी, समस्त पंचायत समितियों के प्रधान, समस्त विधायक क्षेत्र के लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य। राजस्थान उच्च न्यायालय को जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित किया गया 1958 में। निष्पादन बजट के बारे में दिए गए कथनों में कौन सा कथन स्पष्ट है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्पष्ट हैं। सुमिलित कीजिए। आंसर है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1948, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990, भारतीय जीवन बीमा निगम 1956, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि दर्शाता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लोगों के जीवन सार में परिवर्तन, राष्ट्रीय आय की वृद्धि पर जनसंख्या में वृद्धि का प्रभाव, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या की वृद्धि का अनुपात। भारतीय शेयर बाजार के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा कथन असत्य है? शेयर बाजारों की संख्या के लिहाज से विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। भारत की मौद्रिक नीति में इसमें थर्ड और फोर्थ सही है। देश की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखा जाता है। मौद्रिक नीति का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखने की नीति से है। कथन ए और कथन आर। कथन ए है, मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर सकता है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए तथा निम्न अंकित कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। एस एस तारामोर समिति ने निम्न में से किसके विषय में सिफारिश की थी? रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के विषय में क्या सही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों सही हैं। सब्सिडी देने की दक्षता में बेहतरी आने से राशि का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, जरूरतमंदों तक सीधे मदद पहुंचेगी, वहीं बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। देश की अर्थव्यवस्था पर वित्तीय बोझ कम कर सकने में मदद मिलेगी, वित्तीय समावेशन में वृद्धि होगी। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस सूचकांक के आधार पर की जाती है? ए और सी दोनों पर, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। निम्न में से असत्य कथन को छांटिए, इनमें से कोई नहीं। सुमिलित करें, इसको बर्नपुर, कुल्टी, हीरापुर, विसल, VISL, भद्रावती, कर्नाटक, टिस्को, जमशेदपुर, झारखंड, NSL, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो। काम के बदले अनाज कार्यक्रम को प्रारंभ किए जाने का वर्ष है नवंबर 2004। भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को ऐसा
इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि क्या वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं। हाल ही में चर्चा में आए चाबहार पोर्ट का संबंध किस देश से है? ईरान से। सुमिलित करें। दाचीग्राम राजस्थान, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, रणथंबोर राजस्थान। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर है ये। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, रणथंबोर राजस्थान, बांदीपुर कर्नाटक। पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आई भूमि किस रूप में उपयोगी है? उपरोक्त सभी। पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर गाद्यीकरण कम करने हेतु। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। नहीं, इसका आंसर फर्स्ट है, सेकंड ये रॉन्ग है, एचजी के मिलीमीटर में। ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना। जिगर रोग से पीड़ित मरीज को पायसीकृत वसा का परामर्श दिया जाता है। ये कथन है, कारण है इसका, छोटी आंत में वसा को पायसीकरण के लिए पित्त की आवश्यकता होती है। ए सही है और आर आंशिक रूप से सही है। निम्न में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? धान। निम्न में से सुमिलित नहीं है त्रिशूल। सुमिलित नहीं है त्रिशूल, लघु दूरी सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र। सुमिलित करें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, ISRO उपग्रह केंद्र बेंगलोर, SHAR केंद्र श्रीहरिकोटा, स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद। कथन ए, लाइकेन वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक हैं। कारण है इसका आर, सल्फर डाइऑक्साइड का सूक्ष्म मात्रा का भी इनकी वृद्धि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण है। मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। कथन, कारण है इसका, स्त्रियों में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या है। किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। निम्नलिखित में से किन मूल तत्वों को की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है? आंसर है केवल फर्स्ट और सेकंड, कैल्शियम और फॉस्फोरस। यीस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे, आटा, पानी इत्यादि का मिश्रण के उठने का क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। एक पंप 1 घंटा चलाकर 300 लीटर पानी निकालता है। प्रत्येक 1 घंटे पंप चलाने के बाद उसे 10 मिनट बंद कर दिया जाता है। 1800 लीटर पानी निकालने के लिए पंप को कितना समय लगेगा? 6 घंटे 50 मिनट। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को क्रम अनुसार अंक प्रदान किए जाएं, तो नीचे दिए गए उत्तरों में से किसी एक में सार्थक शब्द निहित है, उस उत्तर को पहचानिए। 20,5,1,3,8,5,18। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए, परंतु 9.1 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तथा एक दूसरे विद्यार्थी ने अधिकतम अंकों का 40% प्राप्त किया तथा उत्तीर्ण होने से 13.65 अंक ज़्यादा प्राप्त किए। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं? आंसर है 37%। नीचे दिए गए पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, सबसे नीचे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी? आंसर है 2। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, आंसर है 22 या अधिक। माधवी और शालिनी नाट्य कला और कंप्यूटर विज्ञान में उत्तम हैं। अंजना और माधवी कंप्यूटर विज्ञान में और भौतिक में उत्तम हैं। अंजना पूर्णिमा और निर्मला भौतिक और इतिहास में उत्तम हैं। निर्मला और अंजना भौतिक और गणित में उत्तम हैं। पूर्णिमा और शालिनी इतिहास और नाट्य कला में उत्तम है। भौतिकी इतिहास और नाट्य कला में कौन उत्तम है? पूर्णिमा। एक गुणक बनाइए, S=1×(1)×(2)×(3)×(4)×(5)×(6)×(7), ऐसे करते करते (50). इकाई के स्थान से गिनने पर एस में शून्यों की संख्या है 12। निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्प से किसी कारण से भिन्न है। 37,19,15,7। निम्नलिखित अभिव्यक्ति 5 <= 3x + 2 <= 17 के लिए x के जहाँ x पूर्णांक है सभी संभावित मान कीजिए। इसका है थर्ड, 2,3,4,5। एक सेट z के लगातार 9 विषम संख्याओं का योग,
621 है। सतत छह सम संख्याओं वाले एक अलग सेट जिसकी सबसे छोटी संख्या सेट जेड की सबसे छोटी संख्या से 15 छोटी संख्या से 15 अधिक है, क्या योग है? 486। अनुक्रम 5, 10, 13, 26, 29, 58, 61 का आठवां पद होगा 64। नीचे दिए गए आगे दो निष्कर्ष हैं, कथन और उसके दो निष्कर्ष हैं, आंसर बताएं। निष्कर्ष फर्स्ट व दोनों सेकंड दोनों निकलते हैं। इनमें से कितनी लड़कियों ने प्रतिदिन 2 से कम आपूर्ति किए गए फलों को खाया? 25। प्रतिदिन 6 या अधिक आपूर्ति किए गए फलों को खाने वाली इन लड़कियों का प्रतिशत क्या था? 10%। पाई चार्ट में एक परिवार के एक माह में विभिन्न मदों पर हुए व्यय प्रतिशत में और बचत को दर्शाया गया है। परिवार की मासिक बचत 3,000 रुपये है, किस मद पर व्यय सबसे अधिक हुआ है और कितना हुआ है? आंसर है थर्ड, इसका अन्य कौमा 5,000 रुपये। उपरोक्त में से किन मदों पर कुल बचत का लगभग आधा खर्च किया जा रहा है? नीचे दी गई प्रश्न आकृति के विकल्पों में से किस विकल्प के अवयवों से सही प्रकार बनाया जा सकता है? आंसर है इसका फर्स्ट। दिसंबर 2015 में देश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया आर के माथुर को। स्वच्छ भारत मिशन के आधार पर कराए गए पहले स्वच्छता सर्वेक्षण 2016 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? मैसूर, कर्नाटक को।